तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश ब्लॉग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है इस नए मजार फ्रेश ब्लॉग में, और एक नए ब्लॉग की शुरुआत अकेले फ्रेश डे के साथ। और बाय द वे, लोकेशन रिवील हो गई है, ट्रिप भी स्टार्ट होने वाली है। और आपको लग रहा होगा इसमें जा रहे हैं, नहीं गाइस, इसमें नहीं जा रहे हैं, अभी तो आए हैं। रात में लास्ट ब्लॉग में देखा था हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि वो कर लेंगे हम लोग लोडिंग वगैरह, बट नहीं कर पाए, तो इसलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं पहले लोडिंग, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा, सब रेडी है मेरे को छोड़ के। अर्ली मॉर्निंग निकलता था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाए, टाइम से नहीं उठ पाए। सो बाय द वे, बस एक बार गाड़ी वाड़ी लोड हो जाए, हम भी नहा लें, और उसके बाद फिर हैंग करते हैं, निकलते हैं तुरंत। बोले यार ये अंकल लोडर खड़ा कर जाते हैं सामने, फिर दिक्कत होती है गाड़ियाँ निकलने में हमारी, क्या ही बोले इनको यार। चलो भाई चलते हैं लेके, फाइनली ट्रिप होने वाली है स्टार्ट थोड़ी ही देर में, बस हमें ही नहाना बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट हम सब कर ही चुके हैं आज के लिए। और ये गड्डी वड्डी सब तैयार है अपनी गाड़ी, एकदम निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी उसमें, तो जस्ट मेरे को बस खाली एक बार नहाना है, मैं नहाता हूँ उसके बाद मेरे को लोडिंग करते हैं तुरंत, नहाने के बाद निकलते हैं तुरंत पड़ाक से। और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग नागपुर तक पहुँच जाएँ, जो कि कानपुर से अराउंड 800 किलोमीटर है, और कंप्लीट डेस्टिनेशन हमारी 2000 या 2050 किलोमीटर है। कानपुर टू बेंगलोर कर रहे हैं ट्रिप, सो बाय द वे देखते हैं। और अभी तो वैसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई अराउंड 18-20 के आसपास दे देगी, एक्सपेक्टेशन तो यही है, बाकी देखते हैं रियलिटी क्या है और कैसा क्या है सब, ठीक है, तो बाकी देखते हैं आगे। और मिलते हैं, निकाल दी भाई फाइनली गाड़ी इसके खड़े होने के बावजूद, यही है तुम्हारे भाई का सिस्टम, समझ रहे हो, गाड़ी वाड्डी ऐसे ही निकाल देते हैं अपन लोग, तो इसको भी जल्दी चढ़ा देते हैं। अब हो चुके हैं फाइनली एकदम से रेडी, और बस अब निकलना है और चलना है, सो चलते हैं। सो बाय द वे हर एक चीज़ तैयार हो गए और निकलते हैं, सिस्टम देखो कैसे लोड किया पूरा, ये देखो भाई साहब कितना सिस्टमेटिक वे से काम किया गया है, डाल अंदर पे थोड़ा सामान रखा है, आगे बैठना है और बस निकलना है। एक बार ऊपर क्रॉस चेक कर रहे हैं अपनी चीजें, ये वाला बैग दिया है नहीं तुमने, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। भाई झांसी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, अप्रॉक्स 250 किलोमीटर की ड्राइव है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, शुरुआत ही स्टार्ट मैंने कर दी थी ड्राइव, अब देखते हैं कहां तक आज। वैसे तो नागपुर, ये एक्सपेक्टेशन है कि नागपुर तक पहुंचा देंगे, और करेंटली 233 तक मैंने अकेले पहुंचा दी है, बाकी तो अभी देखते हैं और कैसे क्या पहुंचना है, कैसे क्या करना है। बाय द वे जस्ट अभी पेट्रोल रिफिल करा रहे थे, वैसे तो पेट्रोल था बट ये सोची गई कि एक बार करा लेते हैं उधर, ठीक है, वैसे तो ही सोच। वाइस पेट्रोल पंप कैसा सा है, यहाँ से यही है, और ये सिस्टम। लाइफ में पहली बार मैंने इतनी लॉन्ग ड्राइव एक साथ करी, वैसे तो यार से कार बहुत चलाई है बट मेनली एक थ्रो में इतनी दूर तक हमने बहुत कम चलाई गाड़ी, ऑलमोस्ट पहली बार ही चलाई है। सो इस बार देखते हैं कैसा रिव्यू रहता है, 230 किलोमीटर चल गए और भाई
कमर का तो अभी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट ये है कि अभी 100-150 किलोमीटर भी और मैक्सिमम चला सकते हैं, फिर 400 किलोमीटर के बाद हमको एक रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो फिर भाई मे भी कमर दर्द करने लग जाएगी फिर, वरना अभी तक तो ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट टैंक फुल ही है, बट थोड़ा सा देखते हैं कितना आता है, थोड़ा ही आएगा वैसे। रेंज नहीं तो कूड़ी, रेंज चेक कर चेक कर। भाई साहब आई थिंक अप्रोक्स माई अप्रोक्सीमेट 10 लीटर आ जाएगा। और भाई एक तो पेट्रोल का भी इशू है भाई, पेट्रोल का सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई यूपी भर में पेट्रोल 97 है, और जैसे यूपी हम क्रॉस करते हैं एमपी आते हैं पेट्रोल 109, देन जब एमपी क्रॉस करेंगे महाराष्ट्र आएगा, फिर अगेन पेट्रोल 106, फिर भाई सबसे महंगा तेलंगाना में है, महाराष्ट्र के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना उसका भाई वो है, देखो गाइस कितना बोली थी 12 लीटर। भाई तुम्हारा भाई ना ऐसे ही नहीं हो गया है, सिस्टम है तुम्हारे भाई का भी, इतना तो अब हम भी पहचानने लग गए हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई तेलंगाना में सबसे महंगा पेट्रोल और पता है क्या रेट है, 111, फिर से अगेन कर्नाटका में 102 है, कर्नाटका में भी नॉर्मल सबका होता है वैसे उसका सिस्टम। देखो भाई मुट्ठा इज ऑन, बारिश होएगी क्या, क्या पता क्या लगता है बारिश होगी नहीं होगी, लगता तो शाम तक होगी, लगता है भाई को भी लगता है बारिश होगी। देखो भाई कितनी दूर है यहाँ सागर है, यूपी का आखिरी कौन सा है यहाँ पे, अमझरा तक मिलेगा आखिरी, अमझरा के आगे से मिल जाएगा, 30 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। हाँ ऑनलाइन तो थोड़ी दूर आ गए, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है, 200 किलोमीटर बचा होगा नागपुर। अब नागपुर में आज स्टे करना है जैसा एक्सपेक्ट किया था, बज रहे हैं शाम के 4, और बाय द वे टंकी एक बार अपनी फिर से फुल हो गई है, आ जाएँ तो चल रहे हैं। बाकी देखो ऐसा सिस्टम पूरा वहाँ पे देख रहे हो, ये सिस्टम आ गए भाई छिंदवाड़ा की रोड पे, और थोड़ी देर बाद 100-150 किलोमीटर बचा होगा मोस्टली नागपुर, वहाँ जाके करेंगे स्टे, और भाई अपना ऑल टाइम फेवरेट ले लो एक चाहिए पूरा मजा खा लेंगे भाई। बारिश होते ही गाइस भुट्टा ऐसा ज़्यादा खाने वाली चीज़ है, भुट्टा एक्चुअली सबको तो पसंद भी आता होगा। अभी अभी जस्ट यहाँ निकले हैं सर्कल से, ये यहाँ से 100 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट सभी लोग जा रहे होंगे नागपुर हमारे साथ साथ। भाई साहब मैं तो अभी सो गया था, बल्कि अभी जस्ट मैं सो के उठा, और थोड़े सा बचा है
देखते हैं आगे। यहाँ पे नागपुर और फाइनली ये रहा अपना होटल। तो भाई ऐसा है सिस्टम सब। भाई 10 बज गए सुबह के, 6 बजे के निकले, अब शाम को 10 बज गए। हम लोग आज खाली नागपुर ही पहुँच पाए जो कि 850-900 किलोमीटर है। और देख लो भाई ऐसी जगह है, सही जगह है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है सबसे मिलने में, अच्छी बातचीत है, सही स्टार्ट लग रहा है। बाकी कल सुबह 10 बजे से फिर से स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे और मिलते हैं आपसे आगे। ये देखो भाई ये है जहाँ पे रुके हुए हैं ओयो स्पेस है, इनकी मदद से मिल गया हमको। अच्छा खाली मेन चीज़ उतार रहा हूँ। देखो भैया कैसी हालत हो गई सबकी, एकदम पस्त हो गए सब। ये बिट्टी देखो बिट्टी है, ये मम्मी कुटर कुटर कर रही है। मैसेज आया किसी का, ये हमारा रूम। इसका कोई काम नहीं। सो गाइस आ चुके हैं वापस से, और भाई आज इतना थक गए थे आज के ट्रेवल के बाद कि भाई आते आते थोड़ी देर लेट गए। मैं तो जैसे कि देखा लेट गया, उसके बाद मैं अभी सो गया था आधे घंटे बाद अप्रॉक्स उठा सो के। सो वही कि अब तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। सो करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक रहेगा बाय और जय हिंद। कल रिकॉर्ड करेंगे, कल सुबह में भी वही अर्ली मॉर्निंग तो हो नहीं पाएगा वही 10 से 11 बजे करीब चेकआउट करके यहाँ से रिस्टार्ट करेंगे, और कोशिश होगी कि कल मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर देंगे अपन लोग। ठीक है, सो मैं आज का ब्लॉग को करते हैं एंड।